तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। और काफ़ी देर बाद ये ब्लॉग आ रहा है। आई नो, मुझे पता है मैं बड़ा लेट जो है वो ब्लॉग डालता हूँ। एक्चुअली मैं ब्लॉगिंग कर ही नहीं रहा था यार पिछले एक महीने से। आपने लास्ट वाला ब्लॉग मेरा देखा ही होगा जब मैं अभी राहुल और पूजा गए हुए थे बाहर। तो अभी फ़िलहाल जो है वो अब हम निकल रहे हैं। पीछे आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा सामान वगैरह बिखर रहा है, वहाँ बेड पर पड़ा हुआ कुछ सामान। और अभी जो है वो बाहर रेडी हो रहा है और हम जा रहे हैं इस साल मचेल यात्रा। मतलब पिछले साल भी मचेल यात्रा आपने देखी होगी, तो इस साल की भी जो मचेल यात्रा होने वाली है हमारे साथ, आपको भी दर्शन कराएंगे। और अभी फ़िलहाल जो है हम रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मितेश और मोहित जो है वो अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं। और कुछ और सामान हमारा आ रहा है, वो आदित्य भैया जो है वो लेके आएंगे कुछ सामान हमारे लिए, तो वो निकलते हैं ले के साथ में। और टाइम आपको बता दूं गाइस, टाइम जो है वो 8:30 बजे हमारा पहुंचना था, पर अभी जो है वो 9 बज रहे हैं, तो लेट हो चुके हैं। बस अब फटाफट से जो है वो जो सामान थोड़ा बहुत रहता है वो पैक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से, और सीधा मिलते हैं आपको। यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होगी। तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं बस स्टैंड, यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होनी है। मैं आपको बता दूँ पीछे रोशनी अभी फ़िलहाल जो है वो कम आ रही होगी, क्योंकि यहाँ इस साइड रोशनी बड़ी ही ज़्यादा कम है। तो कोशिश करेंगे आपको दिन दिन में सारे व्लॉग दिखाएंगे अपने, और वहाँ की ब्यूटी फिर से एक बार आपको देखने को मिलेगी मेरे चैनल पे। तो फिलहाल यहाँ चलते हैं, पहले बस ढूंढते हैं अपनी बस कौन सी है भाई, उस पर अपना सीट नंबर पे बैठते हैं और बाकी का व्यू आपको आगे जाके दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। अभी लाइट बिल्कुल ही कम है तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए अभी सीधा गाड़ी में चलते हैं, गाड़ी ढूंढते हैं। और चलो चलो, तो फाइनली गाइस अभी कैबिन भैया को आई थिंक किसी ने बताया कि एजेंट था, कोई अननोन पर्सन है जिसने बताया था कि बस हमारी नीचे लगी हुई है और हम फटाफट से बस में बैठने जा रहे हैं। गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है भैया। तो गाइस अभी अभी भैया हमें बोलते हैं, उनको आई थिंक उनको हमने 3-4 बार पहले ही पूछ लिया। नतीश तारा जो जो पिछले लाइन में खड़ी। ओके भैया। तो गाइस हमारी बस लग गई है, तो अभी चलते हैं फटाफट से। ये देखिए हमारे मितेश भैया, थोड़ा जल्दी आ जाओ भाई। मेरे में घुसा दे, मेरे दिमाग में। तो फाइनली बस आ चुकी है गाइस हमारी, और अभी ये सारे बैग वगैरह रख रहे हैं, सेटिंग वगैरह कर रहे हैं। और इसकी कंडीशन बताऊँ तो बस की कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है सीरियसली। तो बाकी हमारे कज़न भी जो हैं वो जा रहे हैं मचेल, वो ऑलरेडी जो है वो दूसरी बस इसमें निकल चुके हैं। तो हम उनसे जो है वो सुबह गुलाबगढ़ में मिलेंगे, मैं और मितेश साथ में बैठेंगे, और अभी और मोहित तो उस साइड बैठेंगे। बाकी बाहर जो है वो सामने आप देख सकते हो बस स्टैंड का नज़ारा। A few moments later. अभी हम जो है वो गुलाबगढ़ से निकल चुके हैं भैया के साथ, और ये लास्ट टाइम भी भैया यही वाले थे हमारे साथ। ये जो है वो मोहित ने पहचाना है कि ये लास्ट टाइम भी यही वाले भैया थे जिनकी हम गाड़ी में गए थे, मैंने देखते इनको पहचान लिया था, ये वही वाले भैया। तो गाइस अभी हम जो है वो कुंडेल तक जाएंगे, तो फिलहाल जो है यहाँ से हम निकल चुके हैं। कुंडेल का रास्ता कितना है, 15-16 किलोमीटर। तो यहाँ से गुलाबगढ़ से जो है 15-16 किलोमीटर का जो है वो गाड़ी का सफ़र है, सीधा हम जो है वो कुंडेल रुकेंगे। उससे पहले जो है वो एक चेक पोस्ट आती है, जो एक ही मेन चेक पोस्ट है, उसके बाद आपको आगे कोई भी चेक पोस्ट नहीं मिलेगी। लेडीज एक, दो लेडीज हो गई ना, एक कुड़ी तो लेडीज है, दो लेडीज 8 जेंट्स।
तो गाइस अभी हम जो है वो कुंडेल पहुंच चुके हैं, पर आपको बता दो कुंडेल वाला रास्ता जो है वो नीचे रहा और गाड़ियों ने हमें काफ़ी दूर छोड़ा था, और ये रहा अभी मितेश और मोहित जो वो आगे चल चुके हैं। तो गाड़ियों ने हमें जो है वो काफ़ी पीछे उतारा था, तो जिसकी वजह से हमें पैदल आ रहे थे। अब थोड़ी देर हमें रेस्ट की है। कुंडेल वाला जो नीचे वाला रास्ता है वहाँ से कोई भी नहीं जा रहा है अभी फ़िलहाल। तो अब जो है हम नए वाले रास्ते से जाएंगे, यही रहा यहाँ पर। और पीछे आंटी बता रहे थे कि रास्ता थोड़ा सा स्टीप, मतलब खड़ी चढ़ाई है और छांव नहीं मिलेगी आपको नीचे वाले में। छांव थोड़ी है पर वहाँ से कोई आता जाता दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम इसी वाले रास्ते से जाएंगे। मोहित और मितेश आगे जा चुके हैं। हम वेट कर रहे थे अपने भाई लक्ष्य का और उसके साथ जो बंदे आ रहे हैं उनका। तो अभी लेकिन हमें जो मितेश कह रहा है कि आगे चलते हैं, हम आगे जाके कहीं बैठते हैं तो वहीं पर चलते हैं। फ़िलहाल अभी ये रास्ता कैसा है, खतरनाक होने वाला है, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और अभी तक गाइस आपने ब्लॉग देखा है तो ब्लॉग को जाके लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वाली सीरीज़ में, मचेल वाली सीरीज़ में आगे आपको और भी ज़्यादा एक्साइटेड ब्लॉग दिखने वाले हैं। यहाँ रास्ता आपको दिखा दूँ, और यहाँ से हम नीचे से आए हैं। और रास्ता ये वाला जो है वो बड़ा ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ देख सकते हो किसी भी तरह का कोई सेफ्टी नहीं है। और ये रहा भाई हमारा अभी, इसको ज़्यादा थकान जो है वो हो चुकी है समय। तो गाइस अभी तो ये मैं आपको बता दूँ, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अगर रास्ता तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कितना मुश्किल होने वाला है आगे। जो लास्ट टाइम वाला वो कुंडेल वाला रास्ता था ना, मेरे को वो ज़्यादा मच बेटर लग रहा है उससे। और ये देख सकते हो आप, और अंकल जो जहाँ से हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली है ना, वहाँ पे अंकल ये बता रहे थे कि आप जाने को तो जा सकते हो कुंडेल वाले रास्ते से, पर हुआ क्या है कि वहाँ से लंगर वगैरह शॉप वगैरह कोई भी नहीं मिलेगी, वो आपके लिए बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल वही सोच के हमने भी डिसाइड किया कि इसी रास्ते जाएंगे, पर भाई टू मच डिफ़िकल्ट यार। तो गाइस अभी हम जो है वो यशोदी पहुंचे थे, काफ़ी देर यशोदी हमने जो है वो रेस्ट किया है। भाई अभी हालत बड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो अभी फ़िलहाल मैं बता दूं आपको कि हमने खाना छाना खा लिया है यहाँ पे यशोदी में, और यहाँ से निकल रहे हैं। आपको एक बार वाटरफॉल का नज़ारा दिखाऊं, पहले भी एक वाटरफॉल आपने देखा होगा जो पहले मैंने आपको दिखाया, तो अभी ये वाला देखो भाई, साथ साथ में ठंडे पानी की जो है एक छोटी सी नहर जो है वो चल रही है। बाकी हम जो है अभी यशोदी से निकल चुके हैं, और अभी जो है वो कोशिश करेंगे सीधा दरबार ही पहुँचेंगे, और दरबार ही जा कर रेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने रेस्ट किया थोड़ी सी, पर भाई वो मज़ा नहीं आता है बिना बिस्तर के। तो फिलहाल जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं और सीधा मिलते हैं आपको दरबार में। बाकी कुछ अच्छी चीज़ें अगर देखने को मिलेंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा।
केविन भाई ओके भाई बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी है, इसके साथ थोड़े चने हो जाते हैं ना तो और मज़ा आया भाई। सीरियसली बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ऐसा फील आ रहा है जैसे आप शादी में आलू टिक्की खा रहे हो ना, बिल्कुल सेम टू सेम भाई। अभी भैया की शादी में आए हैं। हाँ भाई लोग इनको बस मेरी शादी की बड़ी हुई है। चलो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, ये फिनिश करते हैं फटाफट से और फिर फटाफट से चलते हैं आगे की तरफ क्योंकि आगे हमारा मितेश भैया वेट कर रहे हैं। वो वैसे उनको हमने रूम की छानबीन के लिए लगा दिया हुआ है ना मोहित भाई। तो चलो ठीक है गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हाँ कुछ नहीं बोल सकते ओके। चलो ठीक है गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। वही तो रास्ता रोक रहे थे। हाँ जी गाइस तो अभी हम उठ चुके हैं मॉर्निंग में और जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं, अभी भी फ्रेश हो चुका है और रूम की हालत कुछ ऐसी है। तो रूम जो है वो हमने पहले ही रिजर्व करा रखा था यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो है टाइम रूम का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से, बाहर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ एक बार। चेक करो गाइस बाहर का नज़ारा भाई, खतरनाक वाला व्यू है भाई यहाँ पे। और फटाफट से अभी निकलने की तैयारी है, चलते हैं अभी। चलो रूम को करते हैं लॉक, चप्पल अंदर रख लेते हैं, उसके बाद मितेश और मोहित जो है वो ऑलरेडी वहाँ चले गए हैं, पर्ची उनके पास ही है और उनको ढूंढना भी है प्रसाद देने के बाद क्या है क्या नहीं है। तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए और आपको भी दर्शन करवाते हैं।